डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ऑन पेन फाइट, और अगर तुम्हें नहीं पता कि पेन फाइट क्या है देन ब्रो यू आर नॉट ह्यूमन, और अगर तुम्हें पता है देन मेरे ख्याल से तुम फीलिंग समझते हो, एक्सेप्ट गर्ल्स, तो एंजॉय द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो पेन फाइट एक ऐसी चीज है जिससे सब ने खेला अपने बचपन में, एक्सेप्ट गर्ल्स। वैसे मैं अभी एक गर्ल हूँ लेकिन मैं इस सब में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लड़कों से पंगा लेना अच्छा नहीं लगता। ओ कम ऑन, उनसे ज़्यादा काम है मुझे। अच्छा ये तो बॉयज़ की बातें हो गई। वैसे मैं तुम्हें पेन फाइट के बारे में बता देती हूँ। उसमें होता यूँ है कि अपने ऑपोजिट वाले के पेन को बाउंड्री से गिराना होता है और वो बाउंड्री पूरी डेस्क होती है। तो मैंने गर्ल्स के बारे में ऐसा कहा क्योंकि जब भी वो पेन उनके पास अगर गिरती है तो वो उल्टा कंप्लेन कर देते हैं, सर देखिए वो लोग पेन फाइट खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर रूल था कि पेन फाइट लंच टाइम में खेला जाएगा और क्लास के बीच में नहीं। पर कुछ बंदे ऐसे भी थे जो क्लास के बीच में पढ़ने का नाटक करते थे पर फिर भी पेन फाइट खेलते थे। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कोई मुझे बताएगा कि वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, तो हाँ समझ आ गया जी सर। हाँ ठीक है सर जी, हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है जी सर जी। सॉरी सर, माफ कर दे जी, ये सर। और एज यूजुअल उनकी पिटाई हो जाया करती थी। और हमारे क्लास में जब पेन फाइट होती थी तो लड़के हमेशा बेट लगाते थे, वो महंगी महंगी पेन लाते थे और फिर पेन फाइट हारते थे या फिर जीतते थे। अगर हारते थे तो उन्हें अपनी महंगी पेन दूसरे ओपोनेंट को देनी होती है, और अगर जीत जाते हैं तो उसके ऑपोजिट जो था उसका पेन उसे मिल जाने वाला था। यही उस टाइम का रिवॉर्ड होता है। लड़के हमेशा भारी पेन्स यूज़ किया करते थे ताकि दूसरे के पेन को आसानी से गिरा सके, और तब हमारे लिए भारी पेन सिर्फ 20 रुपये के पेन ही होते थे जिनमें मोटी रिफिल होती थी और उनका बॉडी स्टील का बना होता था। मैंने था इसलिए बोला क्योंकि आजकल हमारे लिए भारी पेन मोटी पार्कर पेन होती है क्योंकि उसका नेप आयरन का बना होता है और उसकी बॉडी भी मोटी स्टील की बनी होती है। शायद मैंने नहीं बताया कि क्लास में गर्ल्स को छोड़कर एक और इंसान भी होता है जो बिल्कुल भी पेन फाइट की तरफ देखता भी नहीं, वो है एग्जैक्टली दी टॉपर्स। ओह माय गॉड, हाउ डिस्गस्टिंग, पढ़ाई की चीजों के साथ खेल रहे हैं ये लोग, सरस्वती माँ का पाप लगेगा इन्हें। अब मैं ये सब इस वीडियो में कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे मजाक समझती हूँ। हाँ मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, फटती है मेरी उनके सामने, हाँ पर मज़ा तो आता ही है ना। यू नो व्हाट, क्लास में ऐसे भी बंदे थे जिन्हें पेन फाइट खेलना तो नहीं आता था लेकिन वो चाहते थे कि मुझे अटेंशन दो। ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।